इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का ATM कार्ड खो जाता है तो आप अपने ATM कार्ड को योनो SBI ऐप के थ्रू कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप उसे टेम्परेरी ब्लॉक करना चाहते हैं तो टेम्परेरी भी ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आपको ATM कार्ड मान लीजिए मिल जाता है तो आप उसे जाके अपने ब्रांच से दोबारा से खुलवा सकते हैं, चालू करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, आपका जो है खो गया है, अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप जो है उस ATM कार्ड को परमानेंटली भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने योनो SBI ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कार्ड का, तो आपको कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऊपर दिया है माय डेबिट कार्ड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से जितने भी लिंक डेबिट कार्ड होंगे यानी कि ATM कार्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ATM कार्ड है जिसको मैंने जो है टेम्परेरी ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये जो है मुझे नहीं मिला तो मैं इसे जो है परमानेंटली ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक, उसके अलावा अगर आपका यानी कि वर्चुअल कार्ड होगा तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। ठीक, फिलहाल मुझे इसे ब्लॉक करना है, तो इसे ब्लॉक करने के लिए परमानेंटली यहाँ पे ब्लॉक कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में अब यहां पे देख सकते हैं मैंने टेम्पररी ब्लॉक कर रखा है। अगर आप टेम्पररी करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंक की OTP जाएगी, OTP डाल के जैसे सबमिट करेंगे आपका जो ATM कार्ड है यानी कि टेम्पररी ब्लॉक हो जाएगा और मिल जाता है इनकेस तो आप जाके ब्रांच से उसे ओपन करवा सकते हैं यानी कि खुलवा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए। तो परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे परमानेंट ब्लॉक कार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा और यहां पे आपसे एक श्योर होने के लिए बोल रहा है कि आप जो है परमानेंटली से बंद करना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं कि एक OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे बता रहा है भेजी गई है, तो उस OTP को यहां पे डाल देना है। OTP डाल के जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं सक्सेसफुल लिख के आ गया है ऊपर, और यहां पे लिखा है कि योर फिजिकल डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड का लास्ट का 4 अंक भी लिखा हैज बीन परमानेंटली जो है ब्लॉक्ड, यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपका डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड खो भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।